राम राम, नमस्कार। मेरा नाम है विशाल। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज चल रहे हैं हम एक हॉन्टेड लोकेशन पे। नाइट का व्लॉग होने वाला है ये। सीधा लोकेशन पे चल के बात करते हैं आपसे। सिंगल जा रहा हूँ आज मैं, कोई नहीं जा रहा मेरे साथ। लोकेशन पे चल के बात करते हैं। आप लोग के लिए आ गए हैं जयपुर से 50 किलोमीटर की दूरी के ऊपर। लोकेशन देख लीजिए आप लोग, फिर बताइएगा कैसी लोकेशन है। लेकिन हमको ऐसी कोई यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिखी नहीं है। अगर आपको कुछ दिखे तो हमको प्लीज़ बताइएगा। अकेला हूँ मैं। अगर वीडियो थोड़ी ख़राब दिखे, पहली बात तो दिखेगी नहीं, अगर दिखे तो माफ़ कर दीजिएगा और बताइएगा आपके कमेंट के जरिए कि वीडियो कैसी है कैसे नहीं है। सामने यहाँ पे मंदिर है और पीछे मोक्ष धाम है, और बीच की जो रोड है यहाँ पे बिल्कुल सुनसान है। यहाँ पे हादसे बहुत तगड़े होते हैं। लोकेशन देखिए फिर बताइए मेरे को आप। तो गाइस लोकेशन पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे लोकेशन दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को एक बार। सामने देख लो यार, लोकेशन देखो एक बार। देखो लोकेशन बिल्कुल सुनसान रोड है, बिल्कुल अकेला हूँ मैं यहाँ पे। देख लो गाइस लोकेशन देख लो आप। कुत्ते भौंकने की आवाज़ें हैं पूरी पूरी। बिल्कुल लोकेशन देख लीजिए, सामने मोक्ष द्वार है। अकेला हूँ सिर्फ यहाँ पे मैं। आवाज भी बहुत तगड़ी आ रही है यहाँ पे। कोई नहीं है दूर दूर तक, यहाँ पे कोई नहीं है दूर दूर तक। पीछे की साइड यहाँ पे मंदिर है एक, और सामने की तरफ मोक्ष द्वार है। और ये जो ये वाली रोड है यहाँ पे कहते हैं खूब हादसे होते हैं। यहाँ पे गाड़ी भी आपको बहुत कम मिलेगी। रात के इस समय 11 बज रहे हैं। ये देखो एक दो गाड़ी, बिल्कुल धीरे धीरे गाड़ियाँ जाती हैं यहाँ पे। उधर देख लो गाइस बिल्कुल अंधेरा है, अंधेरा सुनसान रोड है। आप लोगों को दिखानी थी लोकेशन बस। देखिए बिल्कुल धीरे धीरे गाड़ी आ रही है सामने से। देखिए आप वीडियो आगे हम चल नहीं सकते, यहाँ पे अंदर जाना मना है थोड़ा। बिल्कुल अंधेरा अंधेरा, जानवरों का डर है यहाँ पे। एक आपको अंदर चल के दिखाते हैं हम। अभी बात हुई थी गाँव वालों से मेरी। ठीक है मिलते हैं अगले ब्लॉग ब्लॉग और इस ब्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे। ठीक है भाई, बाय बाय गाइस।